हम बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के लिए मैंने शिमला मिर्च ले लिए, 4-5-6 हैं। और इसके साथ में अब मैंने ले लिए हैं उबले हुए आलू, और इसको मैंने मैश भी कर लिया है। अब हम बनाएंगे इस आज भरवा शिमला मिर्च। और ये देखिए, मैंने तवा थोड़ा सा गरम किया है, इसमें 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच जीरा, ये हम भूनेंगे। और थोड़ा सा धनिया, सूखा वाला धनिया डाल देंगे, इसको हम भून लेंगे, ड्राई रोस्ट कर लेंगे। क्योंकि कोई भी भरी हुई चीज़ बनाते हैं तो उस पहले इसमें हमको मसाला भूनना पड़ता है। अब हम इसको भून लेते हैं। मैंने मैश किए हुए आलूओं में ये जो अभी हमने मसाला भूना है उसको मैंने कूट लिया है, उसको मिक्स करेंगे इसमें। और थोड़ी सी इसमें अब हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये देखिए थोड़ा सा और डाल देंगे, साथ में ये धनिया पाउडर भी डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे। और अब हम नमक डालेंगे इसमें, नमक डाल देंगे। अब इसमें हम अमचूर पाउडर भी डाल देंगे थोड़ा सा। अमचूर पाउडर डाल देंगे और थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी डालेंगे इसमें, जिससे इसका कलर भी अच्छा सा आ जाए। कि अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। इसे कट कर ले रही हूँ, ये ऊपर का पूरा निकाल देंगे और साथ में इसके बीज भी निकाल देंगे, ये देखिए। और ये पूरा खाली हो जाएगा हमारा इस तरीके से, इस तरीके से। ये देखिए, मैंने सभी मिर्च शिमला मिर्च खाली कर ली हैं, इसको ऊपर से कट कर लिया और साथ में इसके बीज भी निकाल दिए। अब हम इसमें स्टफिंग करते हैं, देखिए आलू इसमें भरेंगे इस तरीके से, सभी शिमला मिर्च में आलू भर लेंगे हम। देखिए मेरी कढ़ाई भी मैंने गरम कर ली है, ऑयल भी डाल दिया है, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और ये देखिए सभी शिमला मिर्च मेरी स्टफिंग इसकी हो गई है। अब हम इसको बनाएंगे। अगर आप इसमें आलू में पनीर डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब देखिए मेरा ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें शिमला मिर्च रखेंगे, ये इस तरीके से। और गैस का फ्लेम हम स्लो रखेंगे। अब बस इसको थोड़ी 10 मिनट के लिए इस तरीके से ढक के रख देंगे। चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारी शिमला मिर्च कितनी पकी है। ये देखिए अभी थोड़ी थोड़ी पकी है। अब इसको हम दूसरी साइड से भी इस तरीके से पलट देंगे, इस तरीके से पलट के दूसरी साइड से भी सेक लेंगे, जिससे हमारे आलू दूसरी तरफ से भी पक जाए, देखिए। और ये थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट भी होने लगी हैं। अब हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा हाथ से ही हेल्प से हम इसको पलट लेते हैं। इस तरीके से अभी इसमें 10 मिनट और हमारा लगेगा, तब ये हमारी एकदम रेडी हो जाएंगी। अभी हम फिर से इसको ढक देते हैं। चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारी शिमला मिर्च कितनी पकी है। ये देखिए अभी थोड़ी थोड़ी पकी है। अब इसको हम दूसरी साइड से भी इस तरीके से पलट देंगे,
इस तरीके से पलट के दूसरी साइड से भी सेक लेंगे, जिससे हमारे आलू दूसरी तरफ से भी पक जाए। देखिए, और ये थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट भी होने लगी हैं। अब हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा हाथ से ही हेल्प से हम इसको पलट लेते हैं। इस तरीके से अभी इसमें 10 मिनट और हमारा लगेगा, तब ये हमारी एकदम रेडी हो जाएंगी। अभी हम फिर से इसको ढक देते हैं। ये चेक कर लेते हैं हमारी शिमला मिर्च कितनी पक गई है। ये देखिए कितनी अच्छी फ्राई भी हो गई है। अब देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। शिमला मिर्च का जब कलर चेंज हो जाता है तो समझ लीजिए कि हमारी शिमला मिर्च पक गई है, और ये डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन होने लगती है। देखिए अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में, नाइफ से ही निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। हमारी शिमला मिर्च बनके रेडी हो गई हैं। देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया, कितनी अच्छी फ्राई हो गई हैं। अब आप भी बनाइए और आप भी खाइए।